ये छोटी बात नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना जो हार गया वो जीता फिर। इधर मैं एक दफ़ा प्रोग्राम पे था, इधर मैंने जब हकीम साहब का नाम लिया, बड़े सोने चेहरे वाले बुजुर्ग, इधर उम्र काफ़ी अच्छी खासी उम्र 70-75 साल उम्र होगी उनकी, वो जिन्होंने महफल पे बुलाया था उनसे इजाज़त लेके ना मुझे घर ले गए। बड़ा रोते रहे, फिर उन्होंने मुझे हकीम साहब की बात सुनाई, कहते हैं अल्लाह का शुक्र है मेरी, मुझे अल्लाह ने बहुत माल अदा किया, बहुत ज़्यादा, साथ मुझे अल्लाह ने बेटे अदा किए। ज़ाहिर है जिसके ऊपर एक अमीर बाप हो, छह भाई हो, तो फिर एक अद्धा तो डिंगा निकल ही आता है ना। वो आप कहते हैं कि जो सबसे छोटा था ना वो वावे डिंगा निकल आया। और एक दिन क्या हुआ, उससे किसी का बच्चा मर गया, और जिसका बच्चा मरा ना वो भी को आम नहीं था, वो भी तगड़ा था, केस चला सुप्रीम कोर्ट तक, केस गया हजरत जी, तो सुप्रीम कोर्ट ये वल्ला हुआ, लेकिन कहते हैं जज ने सजाए मौत सुना दी, अब कुछ नहीं था। मैं एक दिन बैठा रो रहा था, तो कहते मेरी मस्जिद के इमाम फरमाने लगे चौधरी साहब हूँ इधर आला जोर ते ला बैठे, हूँ इधर आला लाओ, हूँ इधर आला जोर लाओ। कहते ने मैं उन्होंने क्या किस तरह, उनके जाओ को दुआ लगो कि तुझे लभ जाए थे। कहते मैं गया, बस वखरे वखरे रंग देखे, कहते घूमता घुमाता ना मुझे किसी ने कीम अब्दुल अली साहब का पता दिया, मैं आ गया। कहते आके मैं बैठा हुआ था, तो मुझे फरमाने लगे चौधरी जी क्यों आए हो। कहते मैंने अर्ज की हुजूर ऐ सारा किस्सा है, तो पुत्र नूं सजाए मौत हो गई, तो जे प्यो दे हुंदे आ पुत्र सजाए मौत हो गई तो प्यो तो जिंदा मर जाएगा, ऐ खाली चोली लैके आया वा, खैर पाओ मेरा पुत्र रिहा हो जाए। आपने फरमाया चौधरी जी काम औखा है, तुहाडे कोल होना नहीं, तो जे कर लोगे तो फिर असीं भी लिख के दिंदे आ कि पुत्र रिहा भी होएगा। हाँ हज़रत जी भाई औखा आपके और मेरे लिए, वो जात शानों वाली जात है, फरमाया होना नहीं तुहाडे कोल, लेकिन जब कर जाओगे तो। कहते मैंने अर्ज की हुजूर काम की है, फरमान लगे चौधरी साहब रोज मस्जिद च जाना है, नमाज जमात ना पढ़नी, तो नमाज पढ़न तो पहले पहले की करना है कि सारे जिन्हें नमाजी उन्होंने जुतियां का मुंह बाहर नूं कर देना, तो फिर फर्ज पढ़ के ना फटाफट आके बाहर बह जाना, तो जिन्हें नमाजी उन्होंने अपने थाना जुतियां पवानियां भी ने। चौधरी आदमी के लिए काम वाकई औखा है जी, को सौखा काम है, है? बड़ा औखा काम है। जो सब कहते हैं मैं सिर सुट लिया यार, कि नहीं पिंडा ने मेरी को बोल दी, मैं जुतियां पाव लोगों को, कहते ना तो बेहतर फांसी लग जाए उन्होंने, वह काम नहीं होना। कहते फिर बेटे की मुहब्बत ने जोश मारा, कहते उठा उठा फिर बैठ गया, कहते मैंने फिर हुजूर मुंडा छुट जाएगा। आ फरमाते ने तुम पता नहीं किवें गल्ला कर, अभी तो तुम पहले कह बैठे थे कि काम तेरे को नहीं होना, लेकिन जो कर जाओगे तो मुंडा छुटेगा तेरे। तो सब कहते मैंने भी कहा हुजूर फिर लो शुरू जी अज तुम। फरमा लगे हकीम साहब ने फिर रोकिया, फरमाया एक गल और सुनो, एक मस्जिद च नहीं काम करना, जिड़ी मस्जिद च एक बार कर लिया उत्थे नहीं करना, अगे नूं टुरी जाना। कहंदे ने जरा मैं अपने उधर से शुरू हुआ, पहले पहले तो बड़ी शर्म आनी, मैंने क्या करना कि वो अपने रुमाल से ना मैंने मुँह छुपा लेना, ताकि किसी को पता ना चले कि फलाने फलाने चौधरी साहब ने मुँह ना मैंने छुपा लेना। फरमाते फिर आस्ता आस्ता अंदर वाला मरदा गया मारी गया। फिर कहते फिर मैंने मुंह पे चादर लेनी भी छोड़ दी अदरे, क्योंकि आर्डर था कि एक जगह, कहते मैं कुल्लू वाला आया हुआ था ना गाड़ी, कहते मैंने निकाल लेनी और मैं मस्जिदें चल, कहते मैं कुल्लू वाला आया हुआ था, कहते मैंने जोर की नमाज पढ़ी, आके जूतियां सीधी की और बैठ गया, जो बंदा सबसे पहले आए मैं उसको जूती पहना। कहते एक बंदा आया और उसने एक जूती को पकड़ा, कहते मैंने उसकी जूती पकड़ दी और मैं उसको, क्योंकि मेरा मैं नीचे था मैं रो रहा था। कहते वो मुझे बंदा कहता बुजुर्ग हजरत साहब मैंने अल्लाह ने दो ही हाथ दिते थे, मैं पा लेंगा अपनी जुती। तो कहते मैंने उन्होंने कहा यार तू मेरे हथू पा ला है, हो सकता मेरे गुनाह माफ हो जाए, हो सकता मैंने माफ़ी मिल जाए, हाथ तो तेरे भी ऐड रोज अपने हथा ना पाना, जो मेरे ना भी पा ला, हो सकता मैंने माफ़ी मिल जाए, मेरे रब न मेरे ते रहम आ जाए। वो कहते वो बंदा आके से कहता कौन तुम जी, उत्ते तो वेखो जरा। कहते जब मैंने ऊपर देखा तो क्या देखता हूँ कि वो ही बंदा है जिसका लड़का मेरे लड़के ने मारा था। कहते मुझे देख के ना इस हाल में चौधरी आदमी है जी, इतने आ गए कि उन्होंने मुसीबतें लोगों ने जुतियां पाँदा फिर इतने आ गए। वो कहता है मुझसे, मैंने पूछा चौधरी जी है कि, उन्होंने कहा भाई तेरे ना कोई गल नहीं, बाकी कसूर होया मेरे मुंडे को, असी तेरे मुजरम, तेरा बेगुनाह बच्चा मेरे बच्चे, तेरे ना कोई गल नहीं है, तू जिथे एवें तू ठीक, मैं तो अपने रब को माफ़ी मंगन निकल, क्योंकि वो दस्ते कुदरत दिल ने, हो सकता है जो उत्ते माफ़ी मिली तो तेरे दिल च भी मेरे लिए रहम पा दे, तेरे ना कोई गल नहीं,
बस तू मेरे लिए इन्नी दुआ कर छड़ी, मैनू रब माफ कर छड़े। फरमाने वो अगमन कहन लगा, चौधरी जी माफ करना की, माफ कर छड़िया, उठो आओ सिरे, मैं भी माफ किया, तुहाडा मुंडा बरी करवा दिंदा। मारना पड़ेगा नजर ते, औखा काम है नजर ते, लेकिन याद रखना नजर महबूब तक आने के लिए डंडे तो। मैं उही गल करांगा जिहड़ी हकीम साहब करदे ने, या अल्लाह तू डंडे ना ही मारी, इंज करम कर छड़ पहले ही तू न्याय करीम, लुकमाए तर खिलाए क्यों। या अल्लाह हुणी हुण पग्गां पवा छड़ियां नी है, हुण माफी दे छड़ी, असीं नहीं हुण डंडे जो भी हुण कोई वो जिहड़े वड्डिआं ने खाधे ने, या अल्लाह उहनां दे डंडिआं दे तू हैल, बगैर डंडिआं तू रहम कर छड़ी, असीं नहीं डंडे जो भी। ओ इब्राहिम बिन अदहम दा सबर, ओ बायज़ीद बुस्तामी दा सबर, या अल्लाह हज़रत जुनैद बगदादी दा अखलाक, या अल्लाह असी इन्ने जोगे कोई नहीं, सानू तू जी माफ कर छड़िया, लेकिन पुत्र मारो अपना आप।